नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 26 सितंबर 26 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ जो है डेली करेंट अफेयर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए और अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। और साथ ही साथ डेली करेंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करिए, कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो रेगुलर फॉलो करिए, रेगुलर अपने नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे शहर जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किसी शहर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपे आंसर पता है तो साथ में आंसर करिए, जिन्हें आंसर नहीं पता है वो सेशन को ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, है वाराणसी, ठीक है। भगवान शिव की नगरी दोस्तों काशी, और काशी में ही भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल्द ही रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगामी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है स्टेडियम की आधारशिला रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। यह आध्यात्मिक शहर जो है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक स्टेडियम के साथ एक क्रिकेट पावर हाउस बनने के लिए भी तैयार है, ठीक है। स्टेडियम की विशेषताओं के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो इस स्टेडियम के निर्माण में लगभग 350 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और कितने एकड़ तक के विस्तृत होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये 31 एकड़ में जो है विस्तृत परिसर बनाया जाएगा। और इसमें कितने पिच होंगे, तो 7 पिच जो है उसमें होंगे। और यहाँ पे जो थोड़ा सा डिटेल आप देख सकते हैं किस तरीके का ये स्टेडियम बनाया जाएगा इसके बारे में है कि एक अर्धचंद्राकार छत वाला कवर होगा इसपे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो स्टेडियम बनाया जाएगा दोस्तों, इसमें जो आयोजन स्थल होगा उसमें लगभग 30,000 जो है दर्शक वो बैठे जा सकते हैं। सुविधा का जो बुनियादी ढांचा होगा दोस्तों, वो भगवान शिव के प्रति शहर की भक्ति को दर्शाएगा। और अगर हम बात करें, जैसा कि अभी हमने आपसे बात किया कि जो स्टेडियम की छत होगी दोस्तों वो अर्धचंद्राकार होगी, ठीक है, जो कि पूरे भारतीय जो भगवान है उनके ताज पहनाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो फ्लड लाइट्स को त्रिशूल की तरह जो है वो डिजाइन किया जाएगा। प्रवेश द्वार और लॉन्च की बात करें तो ये भगवान शिव का जो डमरू है उसकी आकृति का बनाया जाएगा। और अखाड़े के जो बाहरी हिस्से में देखा जाए दोस्तों, तो धातु के फ्रेम में लकड़ियों के सेब के पत्तों का विशाल रूपांकन भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भगवान शिव के, ठीक है, थीम पर आधारित स्टेडियम बनाया जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और भी न्यूज देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में था। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो सचिवालय है दोस्तों उसमें काम में तेजी लाने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है ऑफिसर डेस्क सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ऑफिसर डेस्क सिस्टम का उद्देश्य क्या है, सचिवालय के काम में तेजी लाना। वही हमने अभी कल के जो है क्लास में देखा था कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो आयोजित होने वाला है दोस्तों उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन जो है वो करेंगी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में होगा और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा ये यूपी स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों दिवस से संबंधित कि हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ठीक है, मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो कब मनाया गया, ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 23 सितंबर को। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों जो 23 सितंबर को जो है हर साल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ठीक है, साइन लैंग्वेज के डे में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इस दिवस को जो है नामित किया गया था किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये नामित किया गया था कि हर साल जो है
23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर हम इस दिवस के उद्देश्य की बात करें तो जैसा कि आपको पता है साइन लैंग्वेज किसके बीच में इस्तेमाल की जाती है, जनरली जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो आपस में सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखा जाए जो बहरे व्यक्ति हैं उनके मानवाधिकार बनाए रखने में सांकेतिक भाषा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उस महत्वपूर्ण भूमिका को लोगों के प्रति लोगों के बीच जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह बधिर समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के अवसर को प्रदान करता है। कौन दोस्तों? ये दिवस। इस दिवस के थीम की बात करें, इस साल जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम क्या थी? अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपुल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस वर्ष की थीम थी। अगर हम बात करें इस दिवस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक भाषा दिवस है इसकी स्थापना 2018 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के द्वारा किया गया था। और इस फेडरेशन की बात करें दोस्तों, तो ये विश्व भर में लगभग 70 मिलियन जो बधिर लोग हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए ये एक समर्पित संगठन है। ठीक है, और इसी के द्वारा 2018 से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको नामित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 23 सितंबर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा देखा जाए हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह भी मनाया जाता है। ठीक है, अभी हमने दिवस देखा और वीक भी बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि कब मनाया जाता है। तो 18 से लेकर के 24 सितंबर। ठीक है, देखिए दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जाए तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे वीक सप्ताह की बात किया जा रहा है तो 18 से लेकर के 24 सितंबर तक जो है अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? तो ये दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। इस जो है सप्ताह का उद्देश्य क्या है? तो जो बधिर बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं उनके अधिकारों की घोषणा के प्रति लोगों को जागरूक करना, दुनिया भर में जो है इनके निर्माण क्षमता को बढ़ावा देना, ये इस दिवस का, ठीक है, उद्देश्य है। अगर हम बात करें इस जो है सप्ताह का, ठीक है, थीम क्या थी? वही जो सेम उसकी थी, दिवस की थी, वही है अ वर्ल्ड वेयर द पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। अगर हम आदर्श वाक्य क्या है इसका? नथिंग विदाउट अस। ठीक है, हमारे बिना कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य दिवस की भी, जो कि 22 सितंबर को मनाया गया दोस्तों। कौन सा दिवस? अंत यहाँ पे विश्व राइनो दिवस। ठीक है, विश्व राइनो दिवस जो है वो हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस जो कि एक वैश्विक पहल है, और इस वैश्विक पहल का अगर हम प्राथमिकता देखें, क्या है प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो जो दुनिया भर के गैंडों की जो प्रजाति है दोस्तों, उनके सामने जो आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। राइनो की बात करें दोस्तों, ये जो दिवस है विश्व राइनो दिवस, उन गंभीर खतरों और कठिनाइयों पर प्रकाश डालता है जो गैंडों की प्रजातियों को अपने प्राकृतिक आवास में सामना करना पड़ता है। तो एक तरीके से यह दिवस देखा जाए उन चुनौतियों के जो है प्रकाश डालता है जो गैंडे जिनको जो सामना करना पड़ता है ऐसी चुनौतियों का, उसके प्रति लोगों को जागरूक करता है, प्रकाश डालता है और उन चुनौतियों का समाधान करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 2-3 दिवस के बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि वन राइनो, ठीक है, यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के लिए कौन सा जो है नेशनल पार्क फेमस है इंडिया में और वो किस स्टेट में है। ठीक है, एक सिंगी राइनो, ठीक है, गैंडे के लिए जिसे हम कहते हैं वन हॉर्न राइनो, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा जो है नेशनल पार्क इस वन हॉर्न राइनो के लिए प्रचलित है, कहां पे है, किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रहरी ने किस देश में पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप अभ्यास किया है। देखिए हमें यहां से दो चीज पता चली कि यहां पे देखिए ये जो भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्री प्रहरी, इसी ने जो है पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप अभ्यास किया है। किस देश में किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और ये क्या है दोस्तों? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो साझा चुनौतियां हैं, यानी कि भारत और थाईलैंड के बीच में जो समान चुनौतियां हैं, विशेष रूप से जो समुद्री प्रदूषण है दोस्तों, वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। और इसी चुनौती से निपटने के बारे में समुद्री विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए जो भारतीय तटरक्षक है, भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्री प्रहरी, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्री प्रहरी, इसने 20 सितंबर 2023 को अपनी 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन में बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है,
टोई बंदरगाह पर एक व्यापक पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल अभ्यास, ठीक है, टेबल टॉप अभ्यास का प्रदर्शन किया। किसने किया? समुद्री परी ने, ठीक है। अगर हम बात करें इस अभ्यास का उद्देश्य, देखिए यहाँ पे इस अभ्यास में किन किन लोगों ने भाग लिया, तो थाईलैंड के जो समुद्री प्रवर्तन समन्वय केंद्र, सीमा शुल्क विभाग, समुद्री विभाग, रॉयल नेवी, मत्स्य पालन विभाग और अन्य सरकारी विभागों के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। अगर हम बात करें इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था, तो जैसा कि हमने पहली बात किया, जो साझा चुनौतियां, विशेष रूप से जो समुद्री क्षेत्र में जो प्रदूषण है उसके उससे निपटने के बारे में जो समुद्री विशेषज्ञ और प्रतिबद्धता को व्यक्त करना। और साथ ही साथ इस अभ्यास की बात की दोस्तों, तो इसमें ऐसा परिदृश्य भी शामिल था जिसमें भारतीय तटरक्षक के सहयोग से थाईलैंड के समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया आकस्मिक योजना तैयार करके उनका परीक्षण भी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे समुद्री पहरी ने, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, एक व्यापक जो है अभ्यास किया, किससे संबंधित, जो समुद्री प्रदूषण उससे निपटने के लिए, नाम क्या है, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप अभ्यास, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वायरस या बीमारी का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट किट किया जाएगा। तो देखिए किट है जिसका नाम है ट्रूनेट टेस्ट किट, ये किस बीमारी या वायरस का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है डी है, निपाह। निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट किट का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, जो केरल को, ठीक है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है दोस्तों, उसने निपाह के निदान के लिए ट्रूनेट प्रशिक्षण का उपयोग करने की मंजूरी दिया है। तो केरल जो है उसको मंजूरी दी गई है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा, ICMR के द्वारा, कि वो जो है ये जो निपाह वायरस है इसका पता लगाने के लिए, इसके निदान के लिए ट्रूनेट प्रशिक्षण का क्या कर सकता है, परीक्षण का उपयोग कर सकता है। इस परीक्षण की बात करें, ट्रूनेट जो यहाँ पे परीक्षण है इसमें देखा जाए तो किसी भी सैंपल, ठीक है, किसी सैंपल में जो वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसकी विशेषताएं बताई जा रही है। इसमें एक पोर्टेबल है, ठीक है, पोर्टेबल है और साथ ही साथ स्मार्ट चिप आधारित है, बैटरी चालित RT-PCR जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टस पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन किट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसमें, इस किट में। ट्रूनेट भारत में निपाह वायरस परीक्षण करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने वाली जो है ये पहली किट है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रूनेट का उपयोग देखिए कहाँ किया जा सकता है, किन अस्पतालों में किया जा सकता है, जहां पे द्वितीय स्तर की जो जैव सुरक्षा सुविधा है और सैंपल के संदूषण को रोकने के लिए कुछ खास जो है कुछ सख्त प्रोटोकॉल है, वहां पे जो है ट्रूनेट जो किट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस किट की विशेषता क्या है, ये तेजी से परीक्षण करने, रोग फैलने पर, इसका पता लगने पर और तेजी से निवारक उपाय निर्धारित करने में मदद कर सकता है दोस्तों, कौन, यहाँ पे ट्रूनेट किट। तो ध्यान रखिएगा ट्रूनेट जो किट है वो निपाह वायरस का पता लगाने वाला एक परीक्षण किट है जिसको जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा केरल में इस्तेमाल करने की जो है इजाजत दी गई है, उपयोग करने की मंजूरी दी गई, ठीक है। इसी के साथ साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से, यहाँ पे देखिए इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, निम्न में से कहाँ चौथे भारत लातिन सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा नई दिल्ली, करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा देखा जाए 28 से 29 सितंबर तक नई दिल्ली में चौथे भारतीय लातिन सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा किया जाएगा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा। इस उत्सव में देखिए ये उत्सव किसके किसके सहयोग से आयोजित किया जाएगा, तो यहाँ पे जो कोलंबिया, ठीक है, इक्वाडोर और चिली दूतावास के सहयोग से इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। परिषद के जो अध्यक्ष है दोस्तों डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे, उन्होंने ये बताया कि इस उत्सव का देखिए उद्देश्य क्या है, लातिन अमेरिकी की जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है उसका प्रदर्शन करना, ठीक है। इस उत्सव में देखा जाए भारतीय और लातिन अमेरिकी के, ठीक है, लैटिन जो अमेरिका है जिसको हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं, के हितधारक दोनों के बीच जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग की संभावना पर चर्चा किया जाएगा। भारत और लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक उत्सव का भारत और लैटिन अमेरिकी के बीच प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध, परस्पर समझ और समृद्ध परंपराओं के फलने फूलने का ये प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो जो चौथा है ये भारत लैटिन सांस्कृतिक उत्सव नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा
किस राज्य से एकत्र किए गए नमूनों में वेनेडियम खोजा गया? तो अभी हाल ही में वेनेडियम की खोज की गई है दोस्तों, कहाँ के सैंपल में, किस राज्य के सैंपल में? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, वीडियो को दोस्तों शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, गुजरात। यहाँ पे जो भारतीय वो वैज्ञानिक सर्वेक्षण है उनके द्वारा गुजरात का जो जिला है दोस्तों भाव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जिला कौन सा है, भावनगर। वहां पे जो खंभात की खाड़ी है वहां पे कुछ सैंपल, कुछ नमूने इकट्ठा किए गए थे और उसी नमूने में दोस्तों वेनेडियम की खोज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, स्टार कर लीजिएगा। वेनेडियम दोस्तों क्या होता है? तो ये एक दुर्लभ तत्व है और ये इसका प्राथमिक स्रोत यानी कि कहाँ से ये मिलता है, तो यहाँ पे टाइटेनो मैग्नाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट में जो है ये इसका प्राथमिक स्रोत है, इसी से ये मिलता है। विश्व में देखा जाए तो वेनेडियम जो है 88% जो है वेनेडियम इसी से निकलता है, ठीक है, किससे? यहाँ पे टाइटेनो मैग्नेटाइट से निकलता है। उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों वेनेडियम, जो कि एक दुर्लभ तत्व है, इसका उपयोग स्टील और साइज जो टाइटेनियम होता है दोस्तों उसको मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो संक्षारण और उच्च तापमान के प्रति इसके अस्थायित्व के कारण इसका जो उपयोग है वो जेट इंजन भागों और विद्युत घटकों के में भी किया जाता है, इसलिए वेनेडियम देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट एक दुर्लभ तत्व है। और इसका हाल ही में जो खोज हुआ है वो गुजरात के, ठीक है, भावनगर जो जिला है दोस्तों वहां पे जो खंभात की खाड़ी वहां से एकत्रित किए गए नमूनों में इसकी खोज की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सौर जल पंप स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पे, यानी कि सोलर सिस्टम से चलने वाले जो जल पंप है उसकी स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पे? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो 2023 में जो आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों उसमें जो सौर जल पंप है उसके स्थापना में राजस्थान जो है शीर्ष पे रहा है। यहाँ पे देखा जाए 4.5 साल पहले देखा जाए अशोक गहलोत जो सरकार है दोस्तों, अभी भी वर्तमान उन्हीं की सरकार है, उन्होंने एक योजना शुरू की गई थी जो है सौर जल पंप के स्थापना के लिए और इस योजना से लगभग 62,000 से अधिक जो है किसानों ने सीधे लाभ उनको हुआ है। सरकार के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में किसानों को बिजली कनेक्शन और डीजल से चलने वाले संयंत्रों पर निर्भर रहने के बजाय सिंचाई हेतु सौर पंप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो वहां पे जो लोग जो यहाँ पे जो सिंचाई के लिए जो लोग सौर जो पंप इस्तेमाल करते थे पहले देखा जाए तो बिजली कनेक्शन होना चाहिए उनके पास या फिर डीजल से चलने वाले होते थे। बिजली कनेक्शन होगा दोस्तों तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, डीजल है तो उसके लिए भी आपको खरीदना है तो उसके लिए भी, तो एक तरीके से आर्थिक रूप से ये दोनों महंगे स्रोत हुआ करते थे। लेकिन अगर आप सौर पंप यहाँ पे पंप को चलाने के लिए अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा से जो प्राप्त एनर्जी होगी उसका इस्तेमाल जो है पंप में किया जा सकता है। तो इसीलिए सरकार, और ये साथ साथ ध्यान रखिएगा ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल होता है, ठीक है, सौर पंप, और इससे जो है प्रदूषण ना मात्र के बराबर होता है, इसीलिए सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार जो है किसानों को सौर पंप लगाने के लिए कितने सब्सिडी देकर प्रोत्साहित करती है? तो 60% जो है सब्सिडी देकर के प्रोत्साहित कर रही है। यहाँ पे दोस्तों एक पीएम कुसुम जो है योजना, ये ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो इस योजना के बारे में अगर दोस्तों बात करें पीएम कुसुम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्तम महाभियान, ये पीएम कुसुम है, ध्यान रखिएगा। सौर पंप स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना की स्थापना की गई थी दोस्तों, किसके द्वारा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऑफ ग्रिड सौर पंप है इसके स्थापना के लिए, साथ ही साथ ग्रिड से जुड़े जो क्षेत्र है उनमें ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से 2019 में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था पीएम कुसुम योजना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, योजनाओं से संबंधित प्रश्न आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके तहत देखिए एक लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक जो है वो 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य रखा गया था। और ये जो है समय सीमा, ये जो 2022 जो थी जिसके तहत 30,000 मेगावाट का जो सौर क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से जो ये योजना शुरू की गई थी, क्योंकि कोविड के कारण ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी, इसलिए अभी हाल फिलहाल में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पीएम कुसुम योजना का जो लक्ष्य था उसकी जो प्राप्त करने की समय सीमा थी वो कब तक, किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है, तो ये 2026 तक बढ़ा दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें पीएम कुसुम योजना के प्रावधानों की, तो इस प्रावधान के अनुसार देखा जाए जो ग्रिड से जुड़े जो कृषि पंप है
उनको 30% की केंद्रीय और राज्य सब्सिडी और 40% के जो किसान योगदान के साथ सौर ऊर्जा से चलाया जा सकता है। तो आपके लिए ध्यान रखिएगा, पीएम कुसुम, इसका पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, किस मंत्रालय के द्वारा इसे चालित किया गया, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, योजनाओं को एक अलग कॉपी बना लीजिए। ठीक है, मंत्रालय के जो है अनुसार अपनी योजनाओं को लिखिए, उसको रिवीजन क्या करिए, क्योंकि आजकल ये ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस जब लिखते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे जो है आंसर राइटिंग में लिखना पड़ता है कि कौन कौन सी योजना है, सरकार का क्या प्रयास है, फिर वो आपसे भी आपके विचार पूछेंगे कि और बताइए कि इस क्षेत्र में और क्या किया जा सकता है, तो आप भी कुछ अपने जो है आइडिया उनको शेयर कर सकते हैं, मेंस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो बच्चे देखिए अभी मेंस स्टार्ट हुआ है, यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का भी मेंस हुआ है, तो जो बच्चे पीसीएस की तैयारी करते हैं दोस्तों, वो अभी से जो मेंस का पेपर आ रहा है उसको ध्यान से देखिए और देखिए एनालाइज करिए कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, और खुद से भी प्रश्न करिए कि क्या मैं इस प्रश्न को समझने में, जो आयोग के द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कितना सक्षम हो पा रहे हैं आप उसको समझने में। तो पेपर जरूर प्रिंट आउट जो लोग दे रहे हैं या फिर आपके मित्र होंगे, कोई भी होगा, जिनसे आप पेपर लेके देखिए और खुद से कुछ आंसर लिखने की कोशिश करिए, इसका आंसर लिख करके सर को दिखा लीजिए, आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वहां पे भी मैं आपके आंसर्स को देख सकती हूँ और आपको बहुत सारी चीजें आपके आंसर्स को देख करके अनुमान लगाए जा सकते हैं। यहीं से प्रैक्टिस करिए, आपस में आप लोग कंपटीशन करिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है, तो किसने लिया दोस्तों, आईएनएस सहाद्री ने। तो यहाँ पे बात करें आईएनएस सहाद्री ने, जो कि भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये पहला जो है त्रिपक्षीय अभ्यास है समुद्री भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इसमें भाग किसने लिया है दोस्तों, आईएनएस सहाद्री ने भाग लिया। आईएनएस सहाद्री की दोस्तों बात करें तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा जो है, भारतीय नौसेना का ये स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, यानी कि इसका इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया था, और ये भाग कब लिया दोस्तों, ये जो अभ्यास हुआ 20 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में लिया है। इस अभ्यास की दोस्तों बात करें, त्रिपक्षीय अभ्यास यानी कि भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया का जो पहला त्रिपक्षीय अभ्यास था, इस अभ्यास में तीनों समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने का जो है अवसर प्रदान किया है। उन्होंने देखा जाए इसने उन्हें स्थिर शांतिपूर्ण और सुरक्षित भारत प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपनी सामूहिक क्षमता में सुधार करने का अवसर भी प्रदान किया है। आईएनएस सहाद्री की दोस्तों बात किया जाए तो ये स्वदेश रूप से इसको डिजाइन और निर्मित किया गया था, किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 17, ठीक है, क्लास मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट का ये तीसरा जहाज है। तो यहाँ पे बात करें आईएनएस सहाद्री, जो कि प्रोजेक्ट 17 के तहत ये स्वदेशी रूप से निर्मित जहाज है और ये मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट का ये तीसरा जहाज है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज अगले प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, स्टार कर लीजिएगा, बताती हूँ क्या कारण है इसका, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोस्तों 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोस्तों यहाँ पे जो 29 जून को कौन सा दिवस मनाएगी दोस्तों, व्यापारी कल्याण दिवस, और इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, और ये दिवस देखा जाए किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, तो भामा शाह की जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये जयंती मनाई जाएगी। अब आपके दिमाग में ये आया होगा दोस्तों कि भामा शाह कौन है, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा। चलिए आप मुझे बताइए, महाराणा प्रताप और अकबर के समय में जो युद्ध है वो कौन सा युद्ध था, किस वर्ष हुआ था, बड़ा फेमस युद्ध है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप के सहयोगी माने जाते थे भामा शाह, और इन्हीं के जो है जिन्होंने देखा जाए नैतिक और वित्तीय समर्थन के कारण, और इन्हीं के नैतिक और वित्तीय समर्थन के कारण देखा जाए जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपने खोए हुए अधिकांश क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है उस दिन मुख्यतः यहाँ पे प्रमुख जो स्थानीय व्यापारी नेताओं उद्योगपति को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए हर जिले में एक निवेशक शिखर सम्मेलन जो है आयोजित करने का भी निर्णय लिया है, किससे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 29 जून को उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, भामा शाह जयंती के उपलक्ष्य में। आइए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच सिम्बेक्स 2023 नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपको ये पता चला कि सिम्बेक्स जो युद्धाभ्यास है वो नौसेना अभ्यास है जो कि भारत और सिंगापुर में के बीच में आयोजित किया जाता है, और अभी ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, तो ये किया जा रहा है सिंगापुर में। ठीक है, तो भारत और
सिंगापुर की जो नौसेनाओं के बीच देखा जाए तो सिम्बेक्स 2023 नामक जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन सिंगापुर में किया जा रहा है। इस अभ्यास का दोस्तों जो आयोजन किया जाएगा वो दो चरणों में किया जाएगा, जिसका पहला चरण जो है 21 से लेकर के 24 तक, जो कि हार्बर चरण था, ठीक है, जो कि बंदरगाह चरण था वो उसका आयोजन किया गया, और दूसरा चरण जो है वो समुद्री चरण होगा, ठीक है, जिसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास में देखा जाए भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ने भाग लिया, तो यहाँ पे जो भारतीय नौसेना का जहाज है रणविजय और कावरत्ति और पंडुब्बी की बात करें तो INS जो है सिंधु केसरी इसने भाग लिया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो दोनों देशों यानी कि भारत और सिंगापुर की जो नौसेना है उनके बीच में अंतर संचालनता को बढ़ाना और आपसी समझ को भी बढ़ावा देना, ये इस अभ्यास का उद्देश्य था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो इस अभ्यास का आयोजन किस वर्ष से किया जा रहा है, तो भारत और सिंगापुर जो है ये 1994 से सिम्बेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन कर रही है, और यहाँ पे देखा जाइए भारतीय नौसेना द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ किया जाने वाला ये सबसे लंबा नौसैनिक युद्धाभ्यास है, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा। और अब इसी के साथ आप देख लीजिए कि थाईलैंड के साथ कौन सा युद्धाभ्यास, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, और साथ ही साथ इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि 2023 विश्व चैंपियनशिप में 53 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता है, किसने जीता है, तो पहलवान अंतिम पंघाल ने। 2027 में नई दिल्ली में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा कौन, करेगा भारत करेगा। वेस्ट इंडीज के साथ ICC पुरुष T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ध्यान रखेगा संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, ठीक है। 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा दोस्तों, तो देखिए तीन लोग के साथ द्वारा किया जाएगा, ये हरमनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा और लवलीना बरगोहाइन। और आज का लास्ट हमारा फैक्ट ऑफ द डे है, सितंबर 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसने जीता है, तो किसने जीता है दोस्तों, किरोतेश्वरी गांव ने जीता है, जो कि पश्चिम बंगाल का गांव है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और डेली करंट अफेयर की PDF जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ कोशिश करिए दोस्तों आप सब लोग आंसर करिए, जो भी मैं प्रश्न डिस्कशन के दौरान आपसे पूछती हूँ उनका आंसर करेंगे, तो इससे आपको ही फायदा होगा, आपको ही अच्छे से चीजें तैयार होंगी, ठीक है, एक और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।